यह है कि 20 आईएएस अफसरों को प्रमोशन दिया गया है। प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव बने हैं, इनका प्रमोशन हुआ है। 188 और 89 बैच के आईएएस प्रमोट हुए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डीपीसी संपन्न हुई और इस डीपीसी से 20 आईएएस ऑफिसर अब अपर मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। इसमें रजनीश दुबे, राजन शुक्ला, आलोक प्रमोट हुए हैं, नवनीत सैगल, रामी रेड्डी, ज्योतिका मनोज सिंह, टी वेंकटेश, अरविंद कुमार, राधा चौहान, एसपी गोयल, देवेश चतुर्वेदी, मोनिका गर्ग, आराधना शुक्ला, डिंपल वर्मा, ये वो नाम है जो अब प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर है जो उत्तर प्रदेश में तैनात है। इसमें आईएएस प्रशांत त्रिवेदी भी प्रमोट हुए हैं। देखिए, लगातार भारत समाचार में नाम चल रहे हैं, मनोज सिंह, अमित मोहन, सुरेश चंद्रा, संजय भूस रेड्डी, अनिल कुमार, ये सारे अधिकारी प्रमोट हुए हैं। 20 आईएएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। ये सभी प्रमुख सचिव थे लेकिन अब ये अपर मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। ये सब 88 और 89 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। आप जानते हैं कि अपर मुख्य सचिव के बाद सिर्फ एक ही प्रमोशन होता है मुख्य सचिव का, यानी ये अपनी हाईएस्ट प्रमोशन पर है। एक सीट और बची है। नवनीत सहगल, रामी रेड्डी जो सीनियर आईएएस अफसर थे, वीरेंद्र जी, उन सारे लोगों को प्रमोट किया गया जो 88 के, इसमें कुल 20 आईएएस ऑफिसर है। कौन कौन इसमें है, किस लिए किया गया, ये आप बताइए हमारे दर्शकों को विस्तार से। देखिए, ये जो डीपीसी है पिछले 2 साल से रुकी हुई थी जी। हर साल दिसंबर के महीने में आईएएस अफसरों की डीपीसी होती है जी, लेकिन 2018 के बाद से प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो जो प्रमुख सचिव थे वो अपर मुख्य सचिव नहीं बन पा रहे थे और उनको एक डिग्निटी बढ़ जाती है। और स्टेट में जब स्टेट से किसी और राज्य में बात करते हैं तो अफसर एक अपर मुख्य सचिव का पदनाम या मुख्य सचिव का पदनाम हर जगह जाना जाता है। दूसरा ये है कि 1988 और 89 बैच के अफसर हैं और इसमें नवनीत सहगल हैं, रजनीश दुबे हैं और मनोज कुमार सिंह हैं, राधा चौहान हैं, अरविंद कुमार हैं, टी वेंकटेश हैं, एसवीएस रामी रेड्डी हैं, देवेश चतुर्वेदी, मोनिका गर्ग, एसपी गोयल, ये तमाम सारे अधिकारी हैं, डिंपल वर्मा, प्रशांत त्रिवेदी, आराधना शुक्ला, तमाम सारे नाम हैं जिनको प्रमोट किया गया। एक महत्वपूर्ण बात ये बताऊं कि आलोक कुमार जो बिजली विभाग के घोटाले में जिनका नाम आया था, जिनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, उनको भी प्रमोट किया गया है। मनोज कुमार सिंह जो पंचायती राज में है और मनोज कुमार सिंह जो समाज कल्याण में, वो भी अब अपर मुख्य सचिव हो गए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज थोड़ी देर पहले अभी ये बैठक संपन्न हो गई है और उसमें इन प्रमोशन को मंजूरी दे दी गई है। यानी जो 2 साल से प्रमोशन रुका था उसको मंजूरी दे दी गई। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से सब कुछ बताने के लिए।